नमस्ते जी। बॉडी वेट वर्कआउट से मसल्स ग्रो करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो बॉडी वेट वर्कआउट ज़्यादा लगता नहीं, जैसे कि पुशअप आप कितने लगा लोगे हद से, थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी अकड़ जाएगी, थक जाएगी, और वैसे भी एक एक्सरसाइज बार बार लगती भी नहीं। मतलब पंप होने के बाद आपकी बॉडी से और ज़्यादा पुशअप नहीं लगते क्योंकि बॉडी वेट में ना तो आप वजन कम कर सकते हो, घटा बढ़ा नहीं सकते आप वजन को। बॉडी वेट वर्कआउट से मसल्स ग्रो, ताकत ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे हिसाब से है वो है सही तरीके से एक्सरसाइज, सही तरीके से वर्कआउट और अलग अलग एक्सरसाइज। आधे लोगों की बॉडी इसलिए बनती पुशअप और दांडों से क्योंकि वो जिस मसल्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं उस मसल्स पर सही तरीके से प्रेशर नहीं डालते। जब तक मेरे भाई मसल्स पर प्रेशर नहीं जाएगा, मसल्स टूटेगी नहीं, तो वो ग्रो कैसे होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसे चेस्ट के पुशअप लेकर आया हूँ छाती के, बिल्कुल नए और एडवांस। जब आप इनको लगाओगे तो भाई आप खुद देखना आपके चेस्ट में कितना पंप आएगा और अगले दिन बहुत अच्छा पेन होगा चेस्ट में, क्योंकि नो पेन नो गेन, जितना पेन होगा मसल्स उतना गेन होगा, याद रखना है बात। इस तरीके से एक्सरसाइज आपको लगानी है कि पूरा प्रेशर मसल्स पर आए, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट मसल्स की। तीन ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि एक महीने में आपकी चेस्ट में बढ़िया कटिंग बना देगी और कैलोरीज अगर आप ज़्यादा लोगे तो भाई चेस्ट को गेन कर देगी ये एक्सरसाइज। कहने का मतलब डाइट जरूरी है और ये बहुत एडवांस पुशअप है, बहुत ताकत लगेगी, जिम में भी कर सकते हो आप इसको। सबसे पहला पुशअप एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आप लोग चेस्ट को ग्रो करने के लिए इस तरह नॉर्मल पुशअप लगाते होंगे, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पुशअप सिर्फ चेस्ट को एक्टिव करते हैं, मतलब वार्म अप के तौर पर होते हैं। अगर आपको बढ़िया छाती की मसल्स ग्रो करनी है तो भाई चेस्ट का वार्म अप करके आपको पहला पुशअप लगाना है। ये हाथों को इस तरह करके बढ़िया से शोल्डर के बराबर, उसके बाद अपने पेट को अंदर करके, मतलब पेट को ऊपर कर लेना है जैसे आप देख रहे हो, और भाई हिप को इस तरह ऊपर उठाकर आपको इस तरह छाती को नीचे लेकर जाना है, बिल्कुल धीरे से ऊपर जाना है एकदम फास्ट। सांस भर कर रखनी है, सांस भर कर ये पुशअप लगाने की कोशिश करनी है, मतलब कुंभक जिसको बोलते हैं। पुशअप का तरीका आप सही रखें, इस तरह पेट को ऊपर की ओर रखें, पैर ज़्यादा आपके खुले हुए ना हो, बराबर हो, इस तरह आपको बिल्कुल स्लो आपको 15 रेपिटेशन लगाने हैं एक सेट में, और टोटल 3 सेट लगाने हैं, 15, 10 और 8, 3 सेट में। ये पुशअप से आपकी बॉडी का पूरा भार चेस्ट मसल्स पर आएगा और आपकी ऊपर अपर चेस्ट जो होती है उस पर प्रेशर आएगा इस पुशअप से, और 3 सेट लगाने के बाद भाई पंप आप खुद देखते हैं। अब बारी आती है दूसरे पुशअप की। दूसरे पुशअप में आपको इस तरह पुशअप लगाने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जैसे आप देख पा रहे हो, आपको बराबर बस ऐसे लगाने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन बहुत है। इस पुशअप को जब आप ऐसे लगाओगे तो एकदम से प्रेशर, एक खींच आपकी मसल्स पर पड़ेगी और भाई चेस्ट की मसल्स पर बहुत अधिक प्रेशर आएगा एकदम से, जिससे मसल्स बहुत ज़्यादा पंप होगी। आपको पूरी ताकत के साथ इस पुशअप को लगाना है, बेशक रेस्ट आप ज़्यादा ले लो बीच में, लेकिन आपको ये पुशअप 3 सेट आपको कंप्लीट करने हैं मेरे भाई, सही तरीके से बिल्कुल। तीसरे पुशअप में आपको नॉर्मल पुशअप के साथ पंच पुशअप जोड़ना है, जैसा आप देख पा रहे हो, एक बार नॉर्मल पुशअप, फिर साथ में ही जंप लेकर पंच पुशअप आराम से लगाने हैं ताकि पूरा प्रेशर चेस्ट मसल्स पर आए और आपकी ब्रेन, आपका जो ब्रेन है वो चेस्ट मसल्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब इस एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे पूरी आपकी पूरी खींच आपकी चेस्ट मसल्स पर सही तरीके से पड़ रही है, और इस तरह आपको पुशअप के मेरे भाई 3 सेट कंप्लीट कर लेने हैं। ये 3 पुशअप है, इनके आप 3-3 सेट, मतलब 9 सेट, 3-3 सेट इन तीनों पुशअप के आपने लगा लिए तो भाई आपकी चेस्ट मसल्स बिल्कुल पंप हो जाएगी सही तरीके से, अनुशासन से, और भाई वर्कआउट से 40 मिनट पहले कुछ खा लें, फ्रूट खा लें, सेब खा लें, केला खा लें, ड्राई फ्रूट खा लें, ऐसा कुछ, ताकि एनर्जी मिल सके आपको। और भाई ये पुशअप अगर आपको सिर्फ चेस्ट ग्रो करने हैं, आपको महीने में इन पुशअप्स का रिजल्ट देखना है, तो आपको हर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़कर आपको ये पुशअप लगाने हैं बिल्कुल ताकत के साथ और बिल्कुल सही से। आपका माइंड जो है, माइंड मसल्स कनेक्शन आपके चेस्ट पर होना चाहिए, ट्राइसेप पर होना चाहिए, बस आपके चेस्ट पर आपको ताकत डालनी है, प्रेशर डालना है, खुद महसूस करना है, तब जाकर बात बनेगी। बस ये पुशअप आपकी चेस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत है। अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।